अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे कि आपको पता है, जानते हैं कि अभी तक जारी है। आज दो टीम्स का जो मैच थे वो फाइनल हो चुके हैं, उनके एट मैचेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। किस टीम के हुए हैं, किस टीम के कितने रहते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे। तो अभी जो है ना, वेट करना पड़ेगा, सब टीमों के बारे में बताया जाएगा, वो कुछ देर में बताया जाएगा। बट जो है ना, आज जो जिस टीम्स दो के बारे में बात होगी, दोनों ने एट मैचेस जो हैं कि खेल लिए हैं, कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स नहीं हैं, ये सारा कुछ जो है ना आज की ही वीडियो में बयान होगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, ताकि आप तमाम तक जो है ना मैं आज की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। जी दोस्तों, आज जो है साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच था, और इंडिया के मैच में जो है ना, इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 329 रन्स बनाए, उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। अगर हम बात करें तो कितने कितने किस बैट्समैन ने रन्स बनाए, तो वो भी हम आप ये बयान कर देता हूँ कि विराट ने सेंचुरी स्कोर किया 101 121 गेंदों के ऊपर, 10 चौकों की मदद से। शहरयार लैयर ने 76 रन्स बनाए, इसके साथ जडेजा ने 26 रन्स बनाए, और जो है 40 रन्स कैप्टन ने बनाए, मीन्स के रोहित ने। और अगर हम बॉलिंग की बात करें साउथ अफ्रीका की, तो रबादा ने भी 1 विकेट की, निगिडी ने भी 1, तबरे शमसी ने, और उसके साथ महाराज ने भी, और तमाम बॉलर ने 5 विकेट ली है, तो हर बॉलर ने 1-1 विकेट की ली है। उसके साथ अगर हम बात करें, तो जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आया तो बैटिंग किस तरह की, अनबिलीवेबल कि ये साउथ अफ्रीका की टीम इस तरह खेल सकती है जिस तरीके के साथ इन्होंने बैटिंग की है, साउथ अफ्रीका ने जिस तरह बैटिंग की है, आई डू नॉट बिलीव यार, मैं कुछ भी नहीं कह सकता साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। ये तो साउथ अफ्रीका की पूरी जो टीम थी 83 रन के ऊपर, मीन्स के 83 रन के ऊपर 10 खिलाड़ी आउट, पूरी टीम ढेर होगी। और इंडिया ने ये जो मैच था 243 रन से जीता है। शामी की जो है 3 विकेटें थी, दो थी, उनके साथ जो कुलदीप यादव थे उनकी 1 थी, और जो है 5 विकेटें जो हैं आज जडेजा ने हासिल की है, सिराज ने भी विकेट लिए। तो देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इंडिया की इस वर्ल्ड कप में। अभी इनका एक मैच बाकी है नेदरलैंड्स के खिलाफ, और जो है साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो भी एक अभी बाकी है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो यहीं तक हम जो है काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, वो भी क्रिकेट के हवाले से होगी, देखना मत भूलिएगा।